फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये हो चुकी है मॉर्निंग। मॉर्निंग के बज रहे हैं 8 और मैं आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मछली। और आज संडे था तो छुट्टी का दिन था, तो इसलिए सोचा कि आज मछली बना लेते हैं और आप लोगों के साथ वो रेसिपी शेयर कर देती हूँ, मछली कैसे बनाते हैं हम लोग। आप लोग भी ध्यान से वीडियो एंड तक देखते रहना, तो आपको भी रेसिपी मतलब मेरी आपको देखने को मिलेगी। और बहुत ही अच्छी मतलब रेसिपी है और गाँव के स्टाइल में हम लोग बनाते हैं। और ये रेहू मछली है और ये आधा किलो से ऊपर है, मतलब 3 पाव भी नहीं, उससे ऊपर है थोड़ा सा। और इस पे हल्दी और मतलब नमक मिला के रखेंगी। और आप जितने देर हल्दी नमक मिला के रख सकते हो, मतलब 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, उतनी ही टेस्टी मछली बनेगी आपकी। ये समझ लो सीक्रेट चीज़ होती है। मुझे मतलब कभी कभी होता जल्दबाजी होती है, नमक मिलाया और फटाफट फ्राई कर दी तो नमक अंदर तक नहीं पहुँच पाता है, और रेस्ट करने के लिए रख दो तो अंदर तक पहुंच जाता है फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखो मसाले है ना, खड़े डालती हूँ मैं, मतलब ये मीट मछली जो भी बनाती हूँ तो उसमें खड़े मसाले पीस के ही डालती हूँ, वो भी मिक्सी से नहीं, सिलबट्टे से पीस के मतलब ये बनाती हूँ। तो बहुत ही टेस्टी चिकन हो चाहे मटन चाहे फिश, ये बहुत अच्छी मतलब बनती हैं। और इसमें देखो धनिया, काली मिर्च, जीरा और ये गर्म मसाला मैं डाल रही हूँ, लाल मिर्च और ये डोंड़ा है तो ये बड़ी इलायची, और इसको भी मैं अंदर से मतलब तोड़ के डालूँगी, साबुतनी डालूँगी। तो ये मसाले हैं मेरे और ये हल्दी हो गई, तो मैं हल्दी उतनी ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि जो फ्राई किया है ना तो फिर वो थोड़ा सा हल्दी निकलता है उसका, तो इसलिए ज़्यादा फिर पीली पीली हो जाएगी। तो इसलिए ये प्याज लहसुन है ये भी छील लूँगी मैं। तो ये फ्रेंड्स मेरे मसाले हैं, देखो लहसुन प्याज है सारी चीज़ें, ये पीस लेते हैं हम लोग और अच्छे से महीन मतलब पीसते हैं, और हम सिलबट्टे में ही पीसते हैं इसको। तो ये सिलबट्टा में पीस लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं नहीं, मेरे हस्बैंड पीस रहे हैं, हम दोनों मिलके खाना बना लेते हैं कभी कभी, जैसे छुट्टी होती है तो हेल्प कर देते हैं मेरी। और ये देखो मछली मतलब हो गई मेरी, मसाला पिस गया तो रेस्ट भी उन्होंने ले लिया, 15 मिनट 20 मिनट हो गए हैं। और ये कढ़ाई में मैं तेल मतलब गरम करूँगी, ये सरसों का तेल है, उसमें बहुत अच्छी बनती है मछली सरसों के तेल में। और गरम हो गया तेल तो मैं इसमें मेथी दाना डालूँगी। आप जाते हो फ्लेवर उसमें मछली में मेथी दाना का बहुत मतलब अच्छा लगता है फ्लेवर, तो मेथी से ही तड़का लगाती हूँ मैं, लहसुन मेथी से, प्याज और ये सब चीज़ नहीं डालती हूँ, और बहुत ही टेस्टी लगता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे बताना कितनी अच्छी मछली बनती है। और ये एक एक करके मैं इसमें अच्छे से फ्राई कर लूँगी, और फ्राई हो जाती है ना तो उसकी गंदी भी नहीं रहती है मछली की, और स्वादिष्ट भी लगती है। तो इसको उलट पुलट के ना मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी, और ये जब फ्राई हो जाएंगी तो सारे एक एक करके निकाल लूँगी। और बहुत ही मतलब आराम से करना क्योंकि मछली है थोड़ा सा पक जाती है ना तो टूटने का डर होता है, तो इसलिए आराम आराम से इसको ये उठाना है। इसलिए मैंने ये जाली वाली ही अपनी चम्मच लिया है ताकि इससे आराम से कोने से ये मतलब वो कर लूँ। तो हल्के हाथों से मैं इसमें प्रेशर नहीं देती हूँ ऐसे पलटने के लिए। और ये देखो फ्राई हो चुकी है और बहुत ही मतलब अच्छा कलर आया है फ्राई होने के बाद, आप देख सकते हो गोल्डन सा, ये देखो। और ये फ्राई इसी तरीके करने हैं मछली को, और फिर मैं ये मेथी दाना जो मैं इस पर दोबारा से मतलब डालूँगी, वो तो फ्राई के लिए डाला था, ये मैं मसाला में मतलब तड़का देने के लिए डाला है। तो लहसुन और उससे बहुत अच्छा मतलब आता है स्वाद। और ये देखो अच्छे से मेरे लहसुन हो गया है, और ये मैं मसाला इस पर डालूँगी, और मसाला डालने में तुरंत ढक दो ढक्कन, है ना। ढक्कन ढकने से ये होता है कि जो छौंक होती है ना तड़का, वो बहुत अच्छा चढ़ता है ये मसाले में हो चाहे किसी चीज़ में, तुरंत ढकने ढक दो तो अच्छे से तड़का लगता है, तो इसलिए मैं तुरंत ढक देती हूँ, और जो यहाँ वहाँ तेल के छींटे पड़ते हैं वो भी नहीं पड़ते हैं। और ये मैं अच्छे से मतलब चला दूँगी इसको और अच्छे से पकाऊँगी,
क्योंकि मछली में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पकने में कि हम इसको बाद में भी पका लेंगे, तो इसलिए मसाला मछली का बहुत अच्छा मतलब पकना चाहिए फाइनल अच्छे से। और फिर मैं इसको अच्छे से ढक के पका लूँगी, इसमें डाल दूँगी नमक, और आप जानते हो कि मछली में नमक तो मैंने डाला है और ये मसाला में डालूँगी, तो आप भी अपने स्वाद के अनुसार ही नमक डालें, आप लोग जितना चाहते हो मतलब खाते हैं तो उसी तरीके से आप इसमें डालें और अच्छे से मसाला को पका लें। तो जब मसाला आप जानते हो पक जाता है तो अच्छे से तेल छोड़ देता है, तो ये देखो तेल छोड़ दिया है और ये देखो मेरा मसाला पक गया है। और मैं इसको मतलब पानी इसमें डाल दूँगी और इसको मतलब पानी को पकाऊँगी, क्योंकि मछली पकी होती है उसमें टाइम नहीं लगता है, और इसलिए मैं पहले से पानी डालूँगी, इसको खोलाऊँगी अच्छे से ढक करके। और यहाँ पे मैं हरी धनिया बढ़िया धो कर, और धनिया तो इस टाइम अच्छी आ रही है आपको भी पता है, सस्ती भी आ रही है, तो मैं काट लेती हूँ। ये देखो मेरा पानी ना खोलने लग गया है और इसी में मैं मछली डाल दूँगी, और क्योंकि मछली में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, फटाफट मछली बन जाएगी। और आप लोग भी फ्रेंड्स से ज़रूर ट्राई करना। और ये मैं फाइनल इसमें डाल दूँगी और इसमें मैं एक एक करके बढ़िया से डाल दूँगी और ढक दूँगी, और ये देखो फ्रेंड्स कितनी अच्छी मछली बनी है।